सब्सक्राइब करें टेक्नोवेंच यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों मैक्सिको कंट्री का जो यहाँ पे इवेंट है अपडेट एंड गेट अ बिग रिवार्ड, वो फिर से स्टार्ट हो गया है। 14 अगस्त से शुरू है और 20 अगस्त तक ये चलने वाला इवेंट है। दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या होगा, आपको एक पार्टी रूम बनाना है 0 लेवल का और उसको 1 लेवल पे अपग्रेड करके रख देना है, जिसमें आपको यहाँ पे रिवार्ड मिलेंगे। हालांकि इस इवेंट में अभी रिवार्ड कम कर दिए गए हैं, पहले 100 मिलते थे, अभी यहाँ पे 50 कर दिया गया, मतलब हाफ़ कर दिए हैं रिवार्ड। तो यहाँ पे रिवार्ड थोड़े से कम हो गए हैं, हाफ़ कर दिया है मैक्सिको कंट्री के जो ऑफिशियल्स हैं उन लोगों ने। लेकिन यहाँ फिर भी जो है, अगर आप इन रिवार्ड को पाना चाहते हैं तो आपको आईडी कैसे बनानी होगी, क्या कुछ आपको करना होगा, सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे, आपकी आईडी मल्टी कैसे ना हो। तो दोस्तों अगर आपको बार बार आईडी मल्टी का इश्यू फेस हो रहा है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपके फ़ोन में जो भी गूगल अकाउंट सेव होगा उसको आपको हटा देना है, ठीक है। हटाने के बाद में आपको एक नया गूगल अकाउंट बनाना है और अपने प्ले स्टोर पर लॉगिन कर लेना है। बाद में चाहें तो आप पुराने ईमेल को भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको जो है गूगल अकाउंट एक नया बनाना है और लॉगिन कर लेना है। अब दोस्तों आपको पहले सबसे काम ये कर लेना है, उसके बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी थंडर वीपीएन की। तो ये वीपीएन जो है आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जैसे थंडर वीपीएन लिखेंगे तो ये वाला वीपीएन नहीं है, इसके नीचे आप जाएंगे तो ब्लैक कलर में आपको दिख जाएगा थंडर वीपीएन, और इसी वीपीएन को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में जैसे इसको ओपन करेंगे तो इसको मैक्सिको कंट्री पे यहां से आप कंट्री चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, जैसे यहां पे अभी मैं पहले इसको डिसकनेक्ट कर देता हूं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मैक्सिको दिख रहा है, मैक्सिको पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे सर्वर्स जो हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको सिंपली यहाँ से मैक्सिको सर्वर जो है सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद में स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो है वीपीएन जो है कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम ज़रूर लेता है, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना है। देखिए यहाँ पे वीपीएन कनेक्ट हो गया है। अब दोस्तों आपको जाना है अपने ऐप क्लोनर पे, ऐप क्लोनर का ये आर्म वाला वर्जन है जो कि वीडियो के लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और इसको आपको कहाँ से लेना है मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। आपको सिंपली जाना है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है टेक्नो रेंज के नाम से, अगर आप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लें। तो सिंपली आपको सबसे पहले मैं अपने चैनल पर जाके दिखा देता हूँ कि ये जो है ऐप क्लोनर का वर्जन आपको कहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए यही टेक्नो रेंज का चैनल है जो कि 7.6 के सब्सक्राइबर्स हैं। यहाँ पे आपको लोगो पे क्लिक करना है, इसके लोगो पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे नीचे जाना है दोस्तों, और नीचे आप जाएंगे तो फाइल्स का ऑप्शन दिखेगा। फाइल्स के ऑप्शन में आपको जाना है, यहाँ पे सारे एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगा स्टार मेकर का, यहाँ पे 7.6.6 APK जो ये दिख रहा है, देख सकते हैं आप, ठीक है। आपको ये वाला स्टार मेकर वर्जन डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और साथ में आपको ऐप क्लोनर आर्म, जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो यहाँ ये जून में अपलोडेड है, देख लीजिए जून के महीने में जो है ये फर्स्ट पे अपलोडेड दिख रहा है। तो यहाँ पे ऐप क्लोनर देख लीजिए आर्म वाला वर्जन है। आपको ये दोनों एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड कर लेने हैं। अब डाउनलोड करने के बाद में सिंपली देखिए आपको 7.6.6 का ही क्लोन बनाना है। तो यहाँ पर आपको क्लोन नंबर सबसे पहले दे देना है, और यहाँ पर प्राइवेसी ऑप्शन में 8 सेटिंग करनी है, जो कि है चेंज एंड्रॉयड आईडी को रैंडम पर लगाना है, IMEI नंबर को भी रैंडम पे लगाना है, हाइड सीमेंट ऑपरेटर इन्फो ऑन कर लेना है, वाईफाई मैक एड्रेस और ब्लूटूथ मैक एड्रेस दोनों को आपको रैंडम पे लगा लेना है, रैंडमाइज बिल्ड प्रॉप्स ऑन कर लेना है। नीचे आना दोस्तों, यहाँ पे आपको डिसेबल डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर और डिसेबल एक्सेसिबिलिटी सर्विस जो है ये भी ऑन कर लेना है। फिर दोस्तों आपको नीचे आना है और डेवलपर ऑप्शन में हाई डेवलपर मोड ऑन कर लेना है, क्लोनिंग ऑप्शन में क्लोनिंग मोड को मैनिफेस्ट पे लगाना है, स्किप नेटिव लाइब्रेरीज ऑन कर लेनी है, इग्नोर कैशेज ऑन कर लेना है, गूगल प्ले सर्विस वर्क अराउंड ऑन करना है, हाइड गूगल प्ले सर्विस ऑन कर लेना है, हाइड फ्रॉम क्लोन्ड ऐप ऑन कर लेना है, और नो किल और सेफ मोड भी ऑन कर लेना है। बस इतना कुछ करने के बाद में दोस्तों आपको सिंपली इसका क्लोन बना लेना है। तो मैं जल्दी से इसका क्लोन जो है रेडी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन सा मेल एड्रेस यूज़ करना है। यहाँ पे जाने के बाद मोर बेस पे जाना है, ईमेल पे जाना है। अब दोस्तों आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाना है और जो मैं मेल बता रहा हूँ वही मेल आपको सर्च करना है। यहाँ पे आपको लिख के सर्च करना है मेल प्रूफ, ठीक है, मेल प्रूफ आपको लिख के सर्च कर लेना है दोस्तों। और यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन पे मेल प्रूफ दिख जाएगा, सिंपली आपको इसी वेबसाइट पे चले जाना है और गो टू मेल बॉक्स पे
जाना है। दोस्तों यहाँ से आपको कॉपी का ऑप्शन दिखेगा, रिफ्रेश का ऑप्शन दिखेगा, न्यू का ऑप्शन दिखेगा, डिलीट का ऑप्शन दिखेगा। सिंपली आपको न्यू पे जाना है। न्यू पे आप जाएंगे तो यहाँ पे रैंडम का ऑप्शन आपको दिखेगा, रैंडम पे क्लिक कर देना है। और रैंडम पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक मेल एड्रेस दिख जाएगा, इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में दोस्तों आपको सिंपली इसी पेज पे आना है और इसी मेल को जो है पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे फिर से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वेरिफिकेशन मेल चला गया है। अब आपको सिंपली यहीं पे आना है और एक बार जो रिफ्रेश का बटन है आपको रिफ्रेश कर लेना है। बहुत ही इजी इंटरफेस है और ये भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट मेल है। देखिए यहाँ वेरिफिकेशन मेल आ गया है। लॉगिन इनटू स्टार मेकर पे क्लिक करना है तो यहाँ पे सिंपली आप लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सीड हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए पासवर्ड डाल के मैंने डन कर दिया है, सेव भी कर दिया है और नेक्स्ट भी कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे जाके मैं अपनी सेटिंग्स पे और दिखा देता हूँ। जनरल सेटिंग पे यहाँ पे कंट्री क्या है तो देखिए कंट्री ऑटोमेटिकली जो है मैक्सिको आ गई है और यहाँ पे आपको इवेंट भी देखने को मिल जाएगा। तो कुछ ऐसे ही दोस्तों आपको आईडी बनानी है मैक्सिको कंट्री में और इस इवेंट में जो है आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो VPN मैंने बताया है, जो मैंने स्टार मेकर का वर्जन बताया वही आपको यूज़ करना है जिससे आपकी आईडी मल्टी ना हो। तो दोस्तों बस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में भी शेयर कर देना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।